गाइस, तो आज है 9 मई। तो मैं हूँ इस वक्त हो ची मिन्ह सिटी में। आज है हमारा तीसरा दिन। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे हो ची मिन्ह सिटी को। तो जो भी यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ आपको भी दिखाएंगे वहाँ क्या क्या देखने के लिए। तो अभी हम ग्रैब बुक करेंगे और ग्रैब से चलेंगे पहले जहाँ एक चर्च है वहाँ चलेंगे, फिर वहाँ से इंडिपेंडेंस पैलेस। तो अभी हमने कुछ नाश्ता किया है, नाश्ता करके ताजमहल होटल से बाहर आए हैं और अभी हम जा रहे हैं एक चर्च पे। तो चर्च पे जाने के लिए हमने ग्रैब बुक की है। ग्रैब यहाँ ऐप है, जैसे हमारे ओला है तो यहाँ पे ग्रैब है। ग्रैब मलेशिया में चलती है, थाईलैंड भी चलती है और यहाँ भी ग्रैब ही चलती है। तो ये हमारा अभी हम बैठे हैं ग्रैब में। तो ग्रैब ड्राइवर को पता नहीं चल रहा था अभी कहाँ आना है, तो मैंने ना फिर ऐसे किया कि वहाँ एक लैंडमार्क की फ़ोटो सेंड कर दी उसको, तो उसको पता चल गया कि हाँ यहाँ आना। तो फिर वो जब बहुत जल्दी आ गया, पहले उसको पता नहीं चल रहा था, बार बार कॉल कर रहा था। कम्युनिकेशन करने का थोड़ा बहुत ज़्यादा बैरियर है यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश उनको आती नहीं है, इंग्लिश वैसे जानो नहीं आती। हाँ। तो ये बात है। तो आप ऐसा कर सकते हो, इजी ट्रिक है कि जहाँ भी आप खड़े हो वहाँ का कोई अच्छी बिल्डिंग या उसका कोई लैंडमार्क रेस्टोरेंट की फ़ोटो सेंड कर दो, तो वो समझ जाएगा कि जहाँ से इनको पिक करना है। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन ये ना चर्च पे काम चल रहा है तो हम अंदर नहीं जा रहे, और व्यू भी आपको नहीं दिख पाएगा। बहुत ही सुंदर चर्च है, बहुत बड़ी चर्च है, लेकिन वही बात कि हम यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते। और आप देख सकते हो उस पर काम चल रहा है अभी। चर्च के बिल्कुल सामने ना ये साइगन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है, ये देखो ये वो बिल्डिंग है। तो ये फ्रेंच द्वारा बनाई गई बिल्डिंग है, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। जो आर्किटेक्चर में आपको बताया था कि जो फ्रेंच का आर्किटेक्चर है, तो अभी इसके अंदर जाएंगे हम और देखेंगे अंदर कैसा है। तो ये अंदर देखो, बहुत ही सुंदर है ये पोस्ट ऑफिस। यहाँ काम चल रहा है पोस्ट ऑफिस का। तो ये सामने ये सामने है हो ची मिन्ह जो इनके फ्रीडम फाइटर थे। और इधर मार्केट है, मार्केट भी देखते हैं अंदर जाके, बहुत कुछ है यहाँ पे, बैग्स हैं, पेंटिंग्स। और ये यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी मिलेगी, डिफरेंट सारा कुछ डिफरेंट है अदर मार्केट से। ये देखो यहाँ पे आपको कैप्स, जो कैप वगैरह है काफ़ी डिफरेंट कैप्स, ये देखो ऐसी कैब्स बाहर नहीं मिलेगी आपको। तो ये 133 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो काफ़ी सुंदर बिल्डिंग है ये। तो फ्रांस द्वारा बनाई गई बिल्डिंग है, जब फ्रांस जहाँ पे अपना राज करता था यहाँ पे, तो जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिश ने किया, यूके ने, यहाँ पे फ्रांस ने किया है, फ्रांस की कॉलोनी था ये। तो बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी है, 133 साल। इंडिपेंडेंस पैलेस। तो अगर अंदर देखते हैं इसकी टिकट कितनी है और अंदर क्या है।
अगर अंदर गए तो दिखाते हैं आपको। चलो चलते हैं उस टिकट का पता करते हैं। तो ये है वियतनाम का नारियल पानी। अभी टिकट बाय करने लगे हैं और एडल्ट के लिए ये है 65,000 डाउन की टिकट है ये। तो ये टिकट हमने बाय कर ली है अभी। एंट्रेंस ये है एंट्रेंस, इधर को जाना है। तो बिना मास्क के एंट्रेंस नहीं है यहाँ पे। तो ये इसका फ्रंट है, इसके अंदर जा रहे हैं अभी हम। इंडिपेंडेंस डे पैलेस देखते हैं अंदर जाके। तो इसके अंदर जो राष्ट्रपति थे वो अपने कैबिनेट के साथ मीटिंग करते थे। ये वो कमरा है तो जहाँ राष्ट्रपति जो भी प्रेसिडेंट थे उस समय के, वो अपने जो भी कैबिनेट मंत्री थे उनके साथ मीटिंग करते थे यहाँ पे। ये एक और मीटिंग हॉल है, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट और उनके जो भी मंत्री थे बैठते थे यहाँ। तो यहाँ पे उनकी एक हो ची मिन्ह की स्टैचू भी लगी हुई है, ये देखो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वार म्यूज़ियम। ये रहा वार म्यूज़ियम। तो अभी हम अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाते देखते हैं अंदर क्या है और कैसे करना है। तो इसकी टिकट है 40,000 डाउन पर पर्सन। तो देखते हैं अंदर जाके अभी। तो अभी हम अंदर आ गए हैं वार म्यूज़ियम के अंदर। यूएसए आर्मी के साथ इनकी 20 ईयर तक वॉर चली थी। तो ये देखो आप, यूएसए आर्मी के जहाज, ये देखो कितने कितने बड़े हैं। यूएसए आर्मी के ये, और ये टैंक 20 ईयर तक वॉर चली थी वियतनाम और यूएसए की। तो ये सारा यूएसए आर्मी का ही है। ये देखो जी, यूएसए एयर फोर्स के फाइटर, ये देखो यूएसए एयर फोर्स। तो यूएसए पता क्या करता था, जब किसी भी गांव में वियतनामी फोर्स का या आर्मी का एक भी बंदा किसी गांव में चला जाता था ना, पूरे गांव को ही टारगेट कर देते थे। वहां बच्चे भी बूढ़े भी और पूरा गांव ही वो अटैक करते थे ऊपर से। तो 5,00,000 यूएसए आर्मी यहां पे थी इस वॉर में। वियतनामी पीपल बहुत ब्रेवी थे, तो उन्होंने बच्चों तक इस वॉर में हिस्सा लिया था। बच्चों और लड़कियों ने, बूढ़ों ने, हर के हाथ में आप गन देख सकते हो, मैं डाल दूंगा ये आप देख लेना। छोटे छोटे बच्चे और
लड़कियां वॉर में शामिल हुई थी और ये वॉर यूएसए से वियतनाम ने जीती थी। ये देखो सभी यूएसए के हैं। यूएसए एयरफोर्स, यूएसए एयरफोर्स। ये उस टाइम की न्यूज़पेपर की कटिंग और आर्टिकल हैं। ये देखो यूएसए के अगेंस्ट लगभग सभी देश थे। ये देखो ये बच्चों और बूढ़ों को ऐसे मारते थे यूएसए आर्मी। ये देखो बच्चों को, ये देखो छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़ों को। ये देखो और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये आपका दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। ये देखो मुझे, ये देखो आप ये तस्वीरें, ये एक केमिकल गैस छोड़ते थे यूएसए आर्मी वाले गांव पे, जब उनको लगता था यहाँ वियतनाम की कोई आर्मी छिपी हुई है, तो वो पूरे गांव पे एक गैस छोड़ते थे। तो देखो बच्चों का क्या हाल हुआ यहाँ पे, और बाद में जो बच्चे भी पैदा होते थे। ये देखो इतनी जहरीली गैस थी ना, वो फेंकते थे वहाँ से ऊपर से। तो ये देखो छोटे छोटे बच्चे, ये देखो ये ऐसे वो गैस फेंकते थे। ये पूरे पूरे जंगल पे ऐसे, और ये भी अजीम आपके बिल्कुल देखने वाला है, आपको पता चल जाएगा कि वियतनाम ने क्या क्या झेला है। तो ये है वार म्यूज़ियम। तो वार म्यूज़ियम में आप आ सकते हैं, तो इंडिपेंडेंस पैलेस, वार म्यूज़ियम और पोस्ट ऑफिस और वो चर्च बिल्कुल साथ साथ है। एक पैलेस एक जगह पे आप आ जाओ और बाकी सारा आप बाय वॉकिंग ही देख सकते हो सारा कुछ। तो किसी भी एक जगह पे आ जाओ तो सर्च लगा के आप कहीं भी जा सकते हो साथ साथ में। ये चार डेस्टिनेशन तो घूमने के लिए काफ़ी इजी है, तो आप आ सकते हो यहाँ पे, बहुत अच्छा है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब।